भी आप किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे हर्डल्स भी मिलते हैं, जैसे कि कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रहा है, इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहा है, या रीजनिंग में पजल्स नहीं हो रही हैं आपसे, या फिर DI अर्थमेटिक मैथ्स में। ये सारी प्रॉब्लम्स जेन्युइन है, सबके साथ होती है, ठीक है। अब बात आती है क्या कि आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है जब भी आप उन चीज़ों पर वर्क करते हो जो आपके वीक एरियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल RC, ओके। RC को एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए अगर ये पोर्शन आपका वीक रहता है या आप इसे अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो? पहली बात, पहले RC पूरा कभी नहीं पढ़ना है आपको। आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है कि RC पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे गए, उनके कीवर्ड्स लिखिए कॉपी पर, जो भी आपको इन्फ्रेंस बेस्ड लग रहे हैं या फिर लग रहा है RC में से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा उन क्वेश्चंस को पहले करिए, जैसे आपको कोई वोकैब पूछ ली है रिलेटेड, या एरर दे दी है, फिलर है, कोई फ्रेजल वर्ब है, तो उनको पहले करने की कोशिश करिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके तुरंत आपको फाइंड आउट होकर मिल जाते हैं। देन उसके बाद आप मूव करोगे किस पर, इन्फ्रेंस बेस्ड या फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उन पर, ठीक है। ऐसे करना है आपको। और RC आपको सबसे लास्ट में एग्जाम में अटैम्प्ट करना है, मतलब कि जैसे आप पहले वन लाइनर करोगे इंग्लिश में, उसके बाद इन्हें करोगे, ठीक। सेकेंड पॉइंट, आपका डाउट आ रहा है कि मैम पजल्स में टाइम लग रहा है हमें, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर आपने जो टारगेट्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो देखिए, स्टार्टिंग में गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको पजल अटैम्प्ट करने का तरीका सुन लीजिए क्या होना चाहिए। जो भी बिगनर हैं या फिर जिन्हें पजल में दिक्कत होती है, तो स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है कि आप क्या करो, जो भी पॉइंट्स आपको पूरे पैसेज में दिए हैं पजल के, आप उन्हें एक साइड में नोट कर लो कॉपी के, फिर क्लूज कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको पजल्स में सिर्फ एक पॉइंट होता है कि आप क्लूज को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, यही मेन होता है, ठीक है। उसके कई तरीके होते हैं कि कुछ लोग जल्दी पजल बना लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है, तो ये आप अगर अपना खुद से डेवलप करोगे देन बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 दिन कंसिस्टेंट रहिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पर फर्क दिखेगा, क्या पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको टाइम लग रहा है एक पजल करने में, आप 10 मिनट भी लगा रहे हो, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं, बट आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। क्लूज कनेक्ट करना आपको सीखना है, ठीक, पेशेंस रखो, सब होगा। इसके बाद बात आती है आपका मैथ सेक्शन की। तो मैथ्स में प्रॉब्लम आप लोग को आ रही कि मैम मैथमेटिक नहीं हो रहा है, स्पीड नहीं आ रही है, तो गाइस देखो, एक दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक दो महीना आपको वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, बस डेली हार नहीं माननी है, ठीक है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आती। अगर आप खुद को कंपेयर करते हो दूसरे स्टूडेंट से जो पहले तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी वो चीज़ें सारी फेस करी हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैथ्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, अपने बेसिक्स को मत स्किप करिए, उन्हें एक एक करके पढ़िए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अर्थमेटिक के आप टॉपिक्स नहीं स्किप करोगे, अभी आपके पास टाइम है, जैसे जैसे बता रही हूँ करते जाइए, ठीक है। ये बाद का ऑप्शन होता है जब आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे उसी के बाद आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन समझ पाओगे, और सेकंड आप मेंस दे पाओगे, क्योंकि मेंस में बेसिक्स के बिना आपका काम नहीं चलता। आप लोग कहते हो रेशियो मेथड मैम बता दो, तो रेशियो मेथड भी एक तरीके से हर कॉन्सेप्ट पे अप्लाई नहीं होता, आपको बेसिक्स आना ज़रूरी है अगर आप मेंस में अपेयर करने जा रहे हो, ठीक है। तो पेशेंस रखो, जैसे बता रही हूँ करते जाओ, डेली टारगेट्स फॉलो करिए। SBI PO, IBPS PO और IBPS क्लर्क के लिए टारगेट्स हैं, तो वहाँ पर जो भी मैं आपको दे रही हूँ डेली कोशिश करिए कंप्लीट करने की। कोई बहुत बड़ा टारगेट मैं आपको डेली नहीं दे रही हूँ, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चार पाँच महीने में अपने गोल को अचीव करना है, देन उतना तो आपको करना पड़ेगा ही, ठीक है। नहीं वरना एक साल, दो साल, तीन साल, जो लगाना है आप लगाओ, आपकी मर्जी है। इसके बाद बात आती है कि डेली टारगेट्स के लिए आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप गाइडली का PDF बंडल ले सकते हो, वहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम का स्केड्यूल मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। इस टाइम 50% ऑफर चल रहा है, चाहे आप PDF बंडल लो या फिर आप मॉक टेस्ट परचेस करो, तो अगर आप चाहो वहाँ से बाय कर सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी डेली टारगेट्स से रिलेटेड। बाय बाय, टेक केयर।